हरे कृष्णा। भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है इस दुनिया के बारे में, ये जो दुनिया है और जिसमें हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। ये जो दुनिया है ये दुखालय है और अशाश्वत है। दुखालय का अर्थ होता है दुखों का घर, जहाँ पर दुख ही दुख है। आलय शब्द का अर्थ है घर, जैसे हिमालय, विद्यालय, ये सब आलय तो आप जानते हैं, है ना। विद्यालय अर्थात विद्या का घर, हिमालय अर्थात हिम का घर, जहाँ सिर्फ हिम है, बर्फ है। तो इसी तरह दुखालय, ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, इसका नाम स्वयं भगवान कृष्ण ने रखा है दुखालय। तो इस दुनिया में यदि कोई सोचे कि दुख नहीं मिलेगा तो ये संभव नहीं है, इसका नाम ही है दुखालय। और अशाश्वत अर्थात ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये समाप्त हो जाएगा, नष्ट होने वाली चीज है। लेकिन जो भगवान के धाम पहुंच जाएगा, जो भगवान के पास चला जाएगा, माम उपेत्य, जो मेरे पास आएगा, पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा इस दुखालय में और इस अशाश्वत जगत में। ना अपनुवन्ति महात्मानः, और जो महात्मा गण होते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं वापस। संसिद्धिम परमां गता, वो परम गति को प्राप्त होते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। जो भगवान का धाम है गोलोक धाम या वैकुंठ धाम, वहाँ जाते हैं। तो इस दुनिया में ये संभव नहीं है कि हम दुखी नहीं हो, हम हमेशा सदैव खुश रहें। हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर का समय चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुखी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको कोई कार्य, आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो पैसा देते हैं आप उसके लिए। एक घंटे का लेक्चर है, दो घंटे का लेक्चर है, तो आपके कई बार सैकड़ों और कई बार हजारों रुपए देते हैं उतना समय के लिए, उसके पास जाकर बैठते हैं। और वो आप अकेले नहीं होते हैं, उसमें सैकड़ों लोग होते हैं, कभी कभी 200-400, कभी कभी हजारों की संख्या में लोग होते हैं उसकी बात को सुनने के लिए। और उसी तरह से मोबाइल पे या यूट्यूब पे भी आप उनकी बातों को सुनते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स देश विदेश में, हमारे देश में सब जगह है। क्यों है वो? क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। अगर हम दुखी नहीं होते तो मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने आप मोटिवेटेड होते। लेकिन पहले के ज़माने में ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर नाम का कोई बिजनेस नहीं था, घर के ही लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। उसका कारण ये था कि घर में ही एक धार्मिक वातावरण था। देखिए, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जानना चाहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है और कौन सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो तो भगवान कृष्ण ही है। क्यों? अर्जुन जब युद्ध भूमि में पूरा कंफ्यूज्ड था, परेशान था, दुखी था, रो रहा था, तीर धनुष उठाकर रख दिया वो अपने रथ में कि मैं नहीं युद्ध करूँगा, जबकि वो पूरे जीवन परेशान था, उसे कौरवों ने इतना सताया था और सब तरह से मारने की कोशिश की थी पांचों भाइयों को, उसके बावजूद भी अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर के, और उसका जो जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए उनको मारने के लिए, वो उसका समाप्त हो गया था और उसने कह दिया कि नहीं, अब तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब उस समय कृष्ण ने मोटिवेट किया। जो ये जो 18 अध्याय भगवत गीता है, ये मोटिवेशनल स्पीच है पूरा का पूरा, क्योंकि अर्जुन को मोटिवेट किया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा धर्म भी है और इसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। यदि तुम युद्ध भूमि से भाग जाते हो तो तुम्हारी बदनामी होगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और जो जिस जन्म के अनुसार या कर्म के अनुसार जिस वर्ण और आश्रम में रहता है उसको वही कार्य करने
से फायदा भी होता है और संतुष्टि भी मिलती है, तो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो पूरा मोटिवेट किया भगवान ने, और 18वें अध्याय में अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ भगवान आप सच कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए। तो भगवान के शब्दों को यदि आप सुनेंगे तो मोटिवेट ही होंगे, एक एक श्लोक उनका जो है वो मोटिवेशनल कोट्स है, सारा का सारा श्लोक, हर श्लोक। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को मत सुनिए, आप सुनिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आप दुखी क्यों हैं। जैसे यहाँ भगवान ने कहा कि ये घर तो दुखालयम है, तो सच बात है कि दुखालयम है और हमें इससे, हमें इसमें रहना है तो हर समय 24 घंटे दुखी होकर नहीं रह सकते हैं। उसी में से हमको उत्साह भी लाना पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी हम उससे निकल के कुछ कार्य कर पाएंगे। अगर हम हर समय दुख को लेकर के संजो करके बैठे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। एक परिवार है, उस परिवार में एक बच्चा बाहर रहता है, जैसे कि मुंबई में परिवार है, बच्चा दिल्ली में रहता है। अब बच्चा पढ़ने के लिए गया है, पढ़ाई उसकी समाप्त हो गई, अब वो घर आ रहा है। घर आने का उसका जो भी टाइम है, सुबह 6 का टाइम है, 10 बज गया, 11 बज गया, अब घर के लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं आया, बच्चा क्यों नहीं आया। फिर वो ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन करते हैं, रेलवे स्टेशन को फ़ोन करते हैं, सब जगह इंक्वायरी करते हैं। फिर पता चलता है कि जिस ट्रेन से वो आने वाला था उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद तो घर का हर सदस्य दुखी हो जाएगा, निराश, रोने लगेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, होता है वही उसके घर में भी। लेकिन फिर 2-3 घंटे के बाद बच्चा चला आता है घर। तो जब हुआ था एक्सीडेंट तो पता किया तो जिस बॉगी में वो था वो वही बॉगी का एक्सीडेंट, मतलब वो चकनाचूर हो गई थी बॉगी। तो ये सब लोग सोचे कि हो गया, मेरा बच्चा तो खत्म, क्यों, क्योंकि बॉडी तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। लेकिन फिर वो बच्चा चला आता है, जब वो चला आता है तो पता चलता है कि उसकी ट्रेन छूट गई थी और दूसरी ट्रेन से वो वापस आया है। अब सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो ये जो खुशी हो गई उसका कारण क्या था और ये जो दुख था उसका कारण क्या था? तो हम बच्चा हमारा वापस आ गया घर, इसके लिए हम दुख, इसके लिए हम खुश तो हो ही जाएंगे। ये तो हर व्यक्ति का है कि हमारा बच्चा वापस आ गया तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यही बच्चा जब जाने वाला था पढ़ने के लिए तो घर के लोग उसको नहीं चाह रहे थे कि वो जाए, तो उस समय घर के लोग दुखी थे। बाद में फिर वो जब बच्चा जाता है तो वहाँ पे पढ़ाई करता है, जो भी मार्क्स कम लाता है या जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जीवन में, उसके चलते फिर दुखी होते हैं, फिर खुश होते हैं, फिर अच्छे मार्क्स आते हैं खुश होते हैं, कम मार्क्स आते हैं दुखी होते हैं। तो ये खुश और दुख होने का सिलसिला चल रहा है। फिर नौकरी अगर मिलती है कम तनख्वाह की तो हम दुखी होते हैं, फिर तनख्वाह ज़्यादा होता है तो खुश होते हैं, फिर दूसरे से तुलना करते हैं, उसका बेटा कितना मार्क्स लाया, उसका बेटा कौन सी नौकरी कर रहा है, उसकी बहू कैसी आई, कहाँ से आई, उसकी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, उसके घर में कौन सी गाड़ी आई, मेरे घर में कौन सी गाड़ी आई। तो ये जो चलता रहता है पूरे जीवन, एक दूसरे के साथ तुलना करना और तुलना करके खुश होना, फिर दुखी होना, फिर खुश होना, फिर दुखी होना, ये सबके साथ चलता रहता है। किसी का 90% मार्क्स आया लेकिन अगर उसके पड़ोसी का 92% आया मार्क्स, तो हम दुखी हो जाते हैं, पड़ोसी का बच्चा 2% ज़्यादा क्यों लाया, तुम क्यों नहीं लाए, ऐसा होता है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसा नहीं कि ये कम मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसी तरह हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। तो ये सुख और दुख का जो सिलसिला है ये रिलेटिव है, कंपेयर कर करके हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। रीज़न नहीं है ऐसा सुखी और दुखी होने का। हमारी आवश्यकताएं जीवन में जो हैं वो एकदम लिमिटेड हैं। हमें कुछ खाने को चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए और रहने के लिए एक घर चाहिए। ये तीन चीज़ जो है ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और ये यदि आपके पास है
तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। यदि ये तीन चीज आपके पास है, जो आजकल के जमाने में बहुत सारे लोगों के पास है, यदि आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, आप देखिए कि आप एक अनाथ आश्रम में चले जाइए, आप एक हैंडीकैप्ड के जहाँ हैंडीकैप्ड बच्चे रहते हैं उस जगह पर चले जाइए, आप एक हॉस्पिटल में चले जाइए, आप स्मशान भूमि में चले जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास पूरा शरीर एक सही सलामत है, हमारे पास खाने के लिए रोटी है, एक छोटा सा घर भी है, कुछ कपड़े भी हैं पहनने के लिए, और हम जीवित भी हैं। अभी कोरोना हुआ, बहुत सारे लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा बहुत फैमिली हुआ। अभी अभी के समय में ऐसी बहुत फैमिली है जिसमें कुछ एक दो मृत्यु हो गई है, पर हम लोग अभी तक जीवित हैं। बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, पर अगर हमारी नौकरी है, फिर भी जिनको नौकरी है वो भी दुखी है, तो हम कंपेयर कर करके दुखी होते रहते हैं। अब हमारा बेटा सही सलामत है तो भी हम दुखी हैं। अब उस बच्चे को देखिए जो बेड रिडन है, जो कोमा में है, जिसका हाथ पैर एक एक अंग नहीं है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, तो आपको पता चलेगा कि वो ये सोचता रहता है सारा दिन कि काश मेरा बच्चा भी नॉर्मल बच्चे की तरह रहता, उसके दोनों हाथ पैर रहते, दोनों हाथ दोनों पैर रहते, काश मेरा बच्चा साधारण आदमी की तरह सब कुछ कर पाता, बोल पाता, समझ पाता, हर चीज वो कर पाता साधारण आदमी की तरह, क्योंकि उसका बच्चा असाधारण है। कोई बच्चा कोमा में है, उसके माँ बाप सोच रहे हैं कि काश मेरा बच्चा कोमा से निकल जाता, तो ये सब बड़े बड़े दुख हैं। लेकिन ये सब दुख जो हैं, ये सारे दुख सबके पास नहीं है, ये बहुत कम लोगों के पास है, पर दुखी 90%, 90 से भी ज्यादा परसेंट लोग दुखी हैं। तो दुखी रहेंगे क्योंकि भगवान ने कहा कि ये दुनिया दुखालय है, और भगवान के ही आचार्य गाते हैं भजहू रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। तो यदि और भी ज्यादा दुखों से छुटकारा चाहिए तो हमको तो भगवान का भजन ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम भगवान का भजन भी करते हैं फिर भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान का भजन आज शुरू किए और कल से हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया दुखालय है तो दुख तो आते ही रहेगा, उसी में भजन करना है, उसी में भजन करते करते भगवान के शरणागत होकर हम धीरे धीरे निकल जाएंगे इससे। लेकिन हम दूसरे के साथ अपनी तुलना करके हर समय दुखी होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, यदि वो हमारे पास है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम और थोड़ा सा मेहनत करके अपने जो भी चीज़ हमारे पास है, रिसोर्सेज जो हमारे पास, धन दौलत क्वालिफिकेशन जो है, उससे हम अपने लिविंग को बेटर कर सकते हैं, या हम अपना थोड़ा फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका एजुकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमारे पास है सुविधा तो। और उसके लिए तो आपके जीवन में कुछ उत्साह होना चाहिए, कुछ उमंग होना चाहिए, आपको दुखों से हट करके संतोष होना चाहिए कि हम अभी ठीक हैं, नॉर्मल हैं, और हम बेटर करेंगे अपने जीवन को। तो अगर हम तुलना कर करके दूसरे से अपने आप को दुखी बनाते रहेंगे तो हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये देखना है कि हम जिस स्थिति में हैं उससे हम बेटर कैसे हो सकते हैं, ना कि वो मेरे से ज़्यादा बेटर है, वो तीसरा चौथा पांचवा सब मेरे से ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हम कोई लायक ही नहीं है, बेकार हैं एकदम, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोच बंद कर दीजिए। जब ये सोच बंद हो जाएगा तो फिर आपका जीवन अपने आप सुधरने लग जाएगा और दुख समाप्त हो जाएगा, और फाइनली तो भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय लेना चाहिए। तो जो भगवान के भक्त हैं वो तो भक्ति करिए, जो नहीं करते हैं वो भी दुखी मत होइए, वो भी दुख से बाहर निकलिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी लोग दुनिया में हैं, उनको देखिए तो लगेगा कि आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।